इतनी मुश्किल से घर वालों से छिपकर मैंने उन्हें सारी बातें बताई थी। अगर प्रीति दीदी टाइम पे ना पहुंची तो आज मेरा गौना हो ही जाएगा। चलो। पता नहीं ये कृति दीदी अब तक क्यों नहीं आई। इतनी मुश्किल से घर वालों से छिपकर मैंने उन्हें सारी बातें बताई थी। अगर कृति दीदी टाइम पे ना पहुंची तो आज मेरा गौना हो ही जाएगा। से भू लटका किरणा बैठ, लड़के वाले आते ही होंगे। माँ कम से कम तू तो मुझे समझ, मैं सिर्फ 12 बरस की हूँ। हाँ तो छोरिया बरस से नहीं और मिनट और सेकंड से बड़ी हो गई। मुझे भी थारे बाबा इसी उम्र में लाए थे। हाँ माँ वो वक्त कुछ और था, ये वक्त कुछ और है। माँ बेटा और तो कवक्त ना कभी बदला है ना कभी बदलेगा। माँ पर अभी मैं जो पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ, उसका क्या? क्या करेगी इतना पढ़ लिख के? पति का दिल का रास्ता सीधा पेट से होके निकलता है। टा पानी और रसोई का गणित सीख ले, यही काफी है। उस लड़के की उम्र मुझसे 2 गुनी है। हाँ तो वह तजुर्बे से चलता है, औरतों के बकबक से नहीं। वो नशा करता है, दारू पीता है, मैं उसके साथ नहीं रह सकती। माँ अब तू तारे मर्द को सिखाएगी कि घर कैसे चलेगा? अपनी आवाज अपनी माँ की पल्लू की तरह नीचे कर ले और ससुराल जाने के लिए तैयार हो जा। खम्मा गणिसा राम राम। आयो पधारो पधारो। राम सिंह सारे रस्में पूरी हो चुकी है, हम गुड़िया को लेने आए हैं, अपनी बेटी के विदाई के लिए तैयार हो जाओ। माँ मैं नहीं जाना चाहती, नहीं जाना चाहती मैं। राम सिंह तारी बेटी क्या कह रही है? अब चिंता कीजिए नादन बेटी, नादन अभी आपके साथ विदा। नहीं जानो। रुको दीदी, तुम घबराओ मत, कोई तुम्हें नहीं ले जाएगा। आप ये गौना नहीं करवा सकते, बुढ़िया अभी बालिग नहीं हुई है, सिर्फ 12 साल की है वो अभी। पूरा सयानी तो हो चुकी है ना, अब वो कुछ चाहे तो भी यहाँ नहीं रह सकती है। ये गुड़िया का घर है, वो यहीं पर आई। रह नहीं था, अब वो उसके पति के घर रहेगी। पति के घर? अजीब है ना, शादी होते ही एक लड़की अपने घर से पराई हो जाती है, और जिस घर के लिए वो पराई होती है वो घर कभी उसे अपना बना ही नहीं पाता। मैं तेरे हाथ जोड़ू भगवान के लिए, अपने ससुराल चले जा। फिर इसकी बात तो मैं ना कमाल की बात है ना, जिस बच्चे को माँ बाप अपनी गुड़िया समझकर इतना बड़ा करते हैं, उसे दुनिया कितनी आसानी से अपना खिलौना समझ बैठती है। देखो आप हमारे परिवार के मसलों में दखल दे रही हो। क्या बात कह रही हूँ मैं? गुड़िया बनना चाहती है, कुछ बनना चाहती है। छोरिया सिर्फ रसोई में अच्छी लगती है, और तुम्हारी जैसी सोच रखने वाले सिर्फ कटर में अच्छे लगते हैं। चार किताबें पढ़ के हमें कानून ना सिखा, हमरे माथे पर ना बैठ जी। क्या सियाणी हो चुकी है बहुत उम्र लिए। चल
डॉक्टर ऑर्डर्स दिखाइए। बाप रे हम तो डर गए, ये हमारा काव्य है, यहाँ पे हमारा कानून चलता है, समझी? बंद करो ये नाटक। डॉक्टर कृति अब ठीक तो है? जी। तुम्हें पता है ना बाल विवाह एक कानूनन अपराध है और इसकी सजा जरूर होगी। मैंने तुम्हें कहा था ना तुम्हें कुछ नहीं होगा। Oh,